हम तो कंपेयर करेंगे, निश्चित करेंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है। आज क्यों हो रहा है, इसलिए कि हम उस लाइन पर जाना चाहते हैं जो इच्छा आप कर रहे हो कि आखिर ये चीजें साफ होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि सारा सदन चाहता है कि इसमें शुद्धता आनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, लेकिन आखिर कहां से चले थे और क्यों ये सारा हुआ है। ये नैतिक पतन अगर कुछ लोगों का है तो कहीं से चला, उनको शय मिलती थी तब हुआ है। हम एक ही यानी तुलना करना चाहेंगे कि उस समय दो यानी 1988-89 जब से भी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना होगा 2014 तक कुल मिलाकर के कोई केसेस दर्ज भी नहीं होते थे, पकड़े भी जाते थे और दर्ज होते थे तो तुरंत कुछ प्रयत्नों के द्वारा उनको छुड़ा भी लिया जाता था। 6 मुकदमे सिर्फ पूर्व सरकार के 2001 से 2014 तक, ये यानी 14 साल में 6 मुकदमे दर्ज हुए नकल के। अब 6 मुकदमे दर्ज हुए जबकि 2014 से लेकर के और अभी 2021 तक हमारी सरकार में 43 मुकदमे दर्ज हुए नकल के खिलाफ, 43। आप लोग तो मुकदमे ही दर्ज नहीं करते थे, नकल भी करानी, योजना से करानी, अलग से कमरों में बैठा करके अपने लोगों से अलग से पेपर कराने और अलग से उन पेपर की तैयारी करा के उन लोगों को भर्ती कराना, इस बात के प्रमाण है हमारे पास। लेकिन जब कभी कोई पकड़ा भी जाए तो उसको मुश्किल से मुकदमा दर्ज करना और दर्ज करने के बाद उन 6 में से 4 लोगों को तो अब सरकार आपकी थी, कुछ भी आप करा सकते थे, उनको निर्दोष साबित करके उनको छुड़ा भी दिया गया। हमारे समय में 43-28 मुकदमे तो जो बताए जा रहे हैं और प्लस 15 मुकदमे ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर हुए हैं, आप कहते हैं कि उसमें नहीं होता, 15 मुकदमे तो आज केंद्र सरकार के जो एग्जाम थे उनकी शिकायत के ऊपर भी दर्ज हुए हैं। हम नकल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और नकल के खिलाफ एक मुहिम जो हमने चलाई है, उस मुहिम में हमने तो अपनी 4 भर्तियां अपने आप रद्द किए हैं, हमने अपने आप रद्द की हैं। आपकी भर्तियों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट्स ने और 3 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं, हम अपने आप रद्द कर रहे हैं, आपकी कोर्ट रद्द करती है। कोर्ट ने देखिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोर्ट ने रद्द की, PTI कोर्ट ने रद्द की, सिर्फ एक ही बात कि बार बार ये पेपर चेंज किए गए और PTI में तो पेपर लिए बिना केवल इंटरव्यू के आधार के ऊपर PTI के भर्ती की गई और उसमें भी 3 बार बदला गया। आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, हम डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं कि 3-3 बार प्रक्रिया बदली गई। 25 नंबर का इंटरव्यू और 27 नंबर इंटरव्यू में दिए गए और बाद में तो जब लगा कि उसके हिसाब से भी नहीं आए तो बाद में जो पेपर है उसको, जो दिया गया पेपर उसको रद्द करके केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती की जा, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो इसलिए हम अपने दम पर ये मेरिट के ऊपर करेंगे और ये मिशन मेरिट ये जारी रहेगा। हमारे जितने एम्प्लॉइज पकड़े गए, अनिल कुमार सहायक कैशियर, इसको हमने सस्पेंड किया तत्काल, बलवान शर्मा HSP लिपिक, इसको सस्पेंड किया, धर्मेंद्र प्राइवेट ठेकेदार, इसके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे 9 लोग हैं जिनको हमने जैसे ही 2018 के अंदर ये पंचकुला का जो केस हमको ये पकड़ा गया उस समय तुरंत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके लीक पेपर का हमको पता लगा और उसके केंद्र कहां कहां ध्यान में आए, हिसार, उकलाना, 21 जींद का, चिड़ी कैथल से, धमतान साहब, त्योदा, खापड़, धानी खुशाल, मलिकपुर, वाणीखेड़ा का, फिर माजरा प्याऊ, रटौली, गुड़गांव, खंडा खेड़ी और ये सूत्र जाकर के मिले हमें जम्मू। आपकी जानकारी के लिए जो आप कह रहे हैं, हमारी पुलिस 15 दिन में इतना काम कर सकती है कि इस सारे मामले में यानी लगभग 25 से 30 लोग इसमें जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो इस पेपर की लीकेज कहां से हुई है वहां तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं जो शायद जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तब तक इस सदन में बताना भी उचित नहीं है, लेकिन इसके लिंक जम्मू तक जुड़ चुके हैं, प्रिंटिंग जहां हुई है वो स्थान भी हमें पता लग गया है, अल्टीमेटली कहां से लीक हुआ है वो जानकारी भी हमको लग गई है और वो कैसे कैसे पेपर बिकने शुरू हुए। सबसे पहले तो पेनड्राइव सिर्फ 5 लाख रुपए में बिकी, बाद में 20 लाख रुपए में बिकी,
एक करोड़ रुपए तक उसकी पहुंच गई कीमत, और वो चलते चलते नीचे फैल गई। और फैलने में कुछ ऐसे लोग जो लगातार ये काम कर रहे हैं ऐसे चिन्हित हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आखिर अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को, अगर रूट लेवल तक ना पहुंच सके तो निश्चित रूप से बड़ी जो इंक्वायरी होगी किसी जज से करानी होगी तब भी हम कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है असल कल्प्रेट पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन हर बात के लिए हर आदमी जिम्मेवार होगा ऐसा नहीं है। आखिर अगर इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति जिम्मेवार है उसको भी टांगा जाएगा, हमारे यहां सरकार में बैठा कोई आदमी जिम्मेवार हो चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का हो उसको भी टांगा जाएगा। अगर हमारी पुलिस सीबीआई अगर हमारी पुलिस जड़ तक पहुंच गई और पटाक्षे पूरा हो गया तो उसके बाद इसकी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। ये विषय हमारी इन्वेस्टिगेशन का है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन तथ्य तक नहीं पहुंची और हमें इसको वहीं कहीं कठिनाई आई, हमारी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी किसी हायर लेवल पर फैसला जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है।